गोविंदा को लेकर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए उन्होंने काफ़ी कड़ी मशक्कत की है। अपने स्ट्रगल भरे दिनों को याद करते हुए गोविंदा की आंखें तक नम हो गई हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 90s के दौर में गोविंदा एक बड़े सुपरस्टार हुआ करते थे। आलम तो यूं रहता था कि उस दौरान गोविंदा एक साथ 7 से 8 फिल्मों की शूटिंग एक साथ किया करते थे, जिसकी वजह से वो बाकी फिल्मों को डेट्स नहीं दे पा रहे थे। इसकी वजह से निर्माता निर्देशकों को उनसे काम लेने में काफ़ी कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ती थी। साफ शब्दों में कहें कि कामयाबी के उन दिनों में गोविंदा अपने निर्माताओं के लिए एक बड़े सरदर्द की तरह होते थे। उनसे काम करवाना अच्छे अच्छों के वश में बाहर की बात होती थी। एक तो गोविंदा अक्सर सेट पर लेट से आते थे, जब भी जी करे शूटिंग कैंसिल कर लेते थे, जिसकी वजह से निर्माताओं को काफी नुकसान उठाना पड़ता था। अपनी इन्हीं आदतों के कारण एक बार गोविंदा बुरी तरीके से मुसीबत में भी फंस गए थे। तब उस दौरान संजय दत्त ने उन्हें उन्हीं मुश्किलों से बाहर निकाला था। अब संजय दत्त और गोविंदा की जोड़ी भी हमने एक साथ कई सारी फिल्मों में देखी है और उन दोनों की दोस्ती के किस्से भी मीडिया के गलियारों में काफी ज्यादा वायरल भी हुए। गोविंदा और संजय दत्त को बड़े पर्दे पर हमने कई सारी फिल्मों में देखा है और इन दोनों की जोड़ी को भी लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया है। भले ही आने वाले समय में गोविंदा और संजय दत्त के बीच रिश्तों में खटास आ गई हो, लेकिन एक बार जब गोविंदा बुरी तरीके से फंस गए थे तब संजय दत्त ने उन्हें उस मुसीबत से निकाला था। दरअसल हुआ यूं कि सुधाकर बोकाडे ने अपनी फिल्म इज्जतदार में माधुरी दीक्षित के साथ गोविंदा को कास्ट किया था। फिल्म में दिलीप कुमार साहब भी अहम रोल निभा रहे थे। फिल्म की शूटिंग जैसे तैसे आगे बढ़ने लगी। बोकाडे गोविंदा की हरकतों से परेशान होने लगे और एक दिन उन्होंने सेट पर देर से आने के कारण गोविंदा को काफी खरी खोटी सुनाई। दरअसल गोविंदा की इस लेट लतीफी के कारण दिलीप कुमार जैसे सीनियर एक्टर को घंटों इंतजार करना पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ माधुरी दीक्षित के व्यस्त शेड्यूल के कारण निर्माता को डेट्स ही नहीं मिल पाते थे और हमेशा फिल्म का शेड्यूल आगे बढ़ाना पड़ता था। निर्माता से डांट मिलने के बाद गोविंदा काफी नाराज हो गए और उन्हें फिल्म के लिए डेट्स देने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से फिल्म अटकने लगी। अब गोविंदा के इस रवैये से नाराज होकर सुधाकर बोकाडे ने उन्हें गैरकानूनी तरीकों से परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे गोविंदा काफी परेशान हो गए। बोकाडे ने अपनी फिल्मी कनेक्शन का इस्तेमाल कर गोविंदा को कई फिल्मों से बाहर निकलवाने की मुहिम भी छेड़ दी, जिसकी वजह से गोविंदा को कई बड़ी फिल्मों से हाथ तक धोना पड़ा। घबराए गोविंदा संजय दत्त की शरण में पहुंचे। संजय दत्त ने बोकाडे और गोविंदा के बीच सुलह करवा दी। गोविंदा ने एक मुश्त डेट्स बोकाडे को दे दी और फिल्म पूरी हो गई। अब बताया जाता है कि उस दौरान अगर संजय दत्त बीच बचाव नहीं करते तो गोविंदा का शायद करियर उस दौरान ही खत्म हो जाता, क्योंकि बोकाडे ने जिस हिसाब से प्लानिंग करके गोविंदा के करियर को बर्बाद करने की ठान ली थी, अगर संजय दत्त उनकी मदद नहीं करते तो सब कुछ बर्बाद हो जाता।